बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से वापडा में अप्लाई किया, यानी एंट्रेंस डिपार्टमेंट वापडा में आपने तहरीन था, यानी रिटर्न टेस्ट देना है एएसएसए का, एलएम का, हेल्पर का, इलेक्ट्रीशियन का, एसएसए का, ड्राइवर का, क्रेन लिफ्ट ऑपरेटर का, फोर लिफ्टर का, यानी आपने इनमें से जिस भी पोस्ट का तहरीन इम्तिहान देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सभी टेस्टों में करंट अफेयर्स पाकिस्तान के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इसी वीडियो से जो आप लोगों की करंट अफेयर्स पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल 100% गारंटी के साथ होने लगी है, बहुत ही बड़ी वीडियो है, इस वीडियो से आप लोगों की जो करंट अफेयर्स की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करंट गवर्नर ऑफ 2024 बलोचिस्तान, यानी बलोचिस्तान के जो गवर्नर हैं 2024 के, उनका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है शेख जाफर खान मंदोखेल। शेख जाफर खान मंदोखेल बलोचिस्तान के गवर्नर हैं 2024 के, शेख जाफर खान मंदोखेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गवर्नर ऑफ 2024 खैबर पख्तूनख्वा, यानी केपीके के जो गवर्नर हैं 2024 के, उनका क्या नाम? इसका राइट आंसर बनता है फैसल करीम कुंडी। फैसल करीम कुंडी केपीके के गवर्नर हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गवर्नर ऑफ 2024 पंजाब, तो पंजाब के जो गवर्नर, उनका नाम है सरदार सलीम हैदर खान। सरदार सलीम हैदर खान पंजाब के गवर्नर हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गवर्नर ऑफ 2024 सिंध, तो सिंध के गवर्नर का क्या नाम है? तो सिंध का गवर्नर का नाम है कामरान टिसूरी। कामरान टिसूरी गवर्नर हैं 2024 के सिंध के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गवर्नर ऑफ 2024 गिलगत बल्तिस्तान, तो जीबी यानी गिलगत बल्तिस्तान के जो गवर्नर, उनका नाम है सैयद मेहदी शाह। सैयद मेहदी शाह गिलगत बल्तिस्तान के गवर्नर हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट प्रेसिडेंट ऑफ 2024 आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, यानी एजेके के जो प्रेसिडेंट जो सदर हैं 2024 के, उनका नाम है सुल्तान महमूद चौधरी। सुल्तान महमूद चौधरी प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ 2024 बलोचिस्तान, तो बलोचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, उनका क्या नाम? इसका राइट आंसर बनता है सरफराज बुगटी। सरफराज बुगटी वज़ीर आला हैं बलोचिस्तान के 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ 2024 पंजाब, तो पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, उनका क्या नाम? इसका राइट आंसर है मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ 2024 सिंध, तो सिंध के जो वज़ीर आला हैं, उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है मुराद अली शाह। मुराद अली शाह सिंध के जो वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर हैं, और ये तीसरी दफ़ा बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ 2024 गिलगत बल्तिस्तान, तो गिलगत बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, उनका क्या नाम? इसका राइट आंसर बनता है गुलबर खान। गुलबर खान चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला हैं 2024 के गिलगत बल्तिस्तान के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ 2024 यानी जो प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, उनका क्या नाम है? राइट आंसर बनता है चौधरी अनवारुल हक। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस ऑफ 2024 इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस 2024 के, उनका नाम है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस ऑफ 2024 पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है काजी फैज़ ईसा। काजी फैज़ ईसा जो कि 29वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, काजी फैज़ ईसा, और इन्होंने अहदा अपना संभाला था 17 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस ऑफ 2024 लाहौर हाई कोर्ट, यानी पंजाब हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान। जो जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस ऑफ 2024 पिशावर हाई कोर्ट, यानी केपी के चीफ जस्टिस यानी पिशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है मिस्टर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। जो मिस्टर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है, ये पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं फिलहाल 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस ऑफ 2024 बलोचिस्तान हाई कोर्ट, तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट यानी कोटा हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़। जो मोहम्मद हाशिम खान काकड़ हैं, ये बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस ऑफ 2024 सिंध हाई कोर्ट, तो सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस 2024 को, उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस ऑफ 2024 जीबी हाई कोर्ट यानी गिलगत बल्तिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है सरदार मोहम्मद शमीम खान। सरदार मोहम्मद शमीम खान जीबी यानी गिलगत बल्तिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन नादरा ऑफ 2024
यानी नादरा के चेयरमैन का क्या नाम है, उसका राइट आंसर बनता है जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर चेयरमैन है नादरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन ऑफ पीसीबी ऑफ 2024 यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का क्या नाम, राइट आंसर बनता है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान जो क्रिकेट मतलब पीसीबी यानी पीसीबी के चेयरमैन है। और जो मोहसिन नकवी के पास एक और अहदा भी है कि वो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर यानी वजीर दाखिला, ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डी जी आई एस पी आर ऑफ 2024 यानी 2024 के जो डी जी आई एस पी आर का क्या नाम है, राइट आंसर बनता है अहमद शरीफ चौधरी। अहमद शरीफ चौधरी डी जी आई एस पी आर हैं 2024 के, अहमद शरीफ चौधरी डी जी आई एस पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन नैब ऑफ 2024 यानी जो नैब के चेयरमैन का क्या नाम है, राइट आंसर नज़ीर अहमद भट्ट। नज़ीर अहमद भट्ट चेयरमैन ऑफ नैब हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डी जी एफ आई ए यानी जो डायरेक्टर जनरल है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनका क्या नाम, राइट आंसर बनता है मिस्टर अहमद इसहाक जहांगीर। ये आपने याद रखना है कि जो करंट डी जी एफ आई ए है उनका नाम है मिस्टर अहमद इसहाक जहांगीर, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन वापडा 2024 तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी। जो सजाद गनी साहब हैं ये चेयरमैन है वापडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान 2024 तो उसका राइट आंसर बनता है सैयद यूसुफ रिजा गिलानी। सैयद यूसुफ रिजा गिलानी जो करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान है सैयद यूसुफ रिजा गिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन नेशनल असम्बली ऑफ 2020 यानी जो नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं उनका क्या नाम, राइट आंसर बनता है सरदार अय्याज सादक। जो सरदार अय्याज सादक हैं ये मतलब नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ 2024 राइट आंसर बनता है गुलाम मुस्तफ़ा शाह। जो गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं ये करंट जो डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं उनका नाम है सरदार अय्याज सादक और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा शाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान 2024 यानी जो पाकिस्तान जो सेनेट के जो लीडर ऑफ द हाउस है उनका क्या नाम, राइट आंसर बनता है इसहाक डार। जो इसहाक डार हैं ये लीडर ऑफ द हाउस है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के। और इसहाक डार के पास दो और भी मतलब के, जैसा कि जो इसहाक डार साहब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं यानी डिप्टी वजीर आजम भी हैं इसहाक डार साहब, और जो फॉरेन अफेयर यानी खारजा अमूर के फेडरल मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार। ये आपने याद रखना है कि इनके पास तीन अहदे हैं, एक तो ये लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट के, दूसरे नंबर पर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और थर्ड नंबर पर ये फॉरेन अफेयर यानी खारजा अमूर के भी वफाकी वजीर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 यानी जो डिफेंस वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का उनका क्या नाम, राइट आंसर बनता है मिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसफ। मिस्टर जो ख्वाजा मोहम्मद आसफ हैं ये मिनिस्टर ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनांस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी जो वजीर खजाना है फिनांस मिनिस्टर है पाकिस्तान का उनका क्या नाम, राइट आंसर बनता है मिस्टर मोहम्मद औरंगजेब। जो मोहम्मद औरंगजेब हैं ये एक बैंकर भी हैं और ये फिनांस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ एंड जस्टिस फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 उनका जो लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं फेडरल वफाकी उनका क्या राइट आंसर बनता है मिस्टर आजम नज़ीर ताड़। मिस्टर आजम नज़ीर ताड़ लॉ एंड जस्टिस के मतलब के फेडरल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम अफेयर्स यानी समुद्री अमूर के जो फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान का क्या नाम, राइट आंसर बनता है मिस्टर कैसर आमद शेख। कैसर आमद शेख जो मैरीटाइम अफेयर्स यानी समुद्री अमूर के फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड जो रिसोर्स डेवलपमेंट के फेडरल मिनिस्टर का क्या नाम, राइट आंसर है चौधरी सालक हुसैन। चौधरी सालक हुसैन जो ओवरसीज पाकिस्तानी एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के फेडरल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर का नाम है डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी जो हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग एंड वर्क्स के जो फेडरल मिनिस्टर हैं मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा। मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा हाउसिंग एंड वर्क्स के फेडरल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्स फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो वो हैं मिस्टर जाम कमाल खान। मिस्टर जाम कमाल खान कॉमर्स के फेडरल मिनिस्टर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ ऑफ नॉवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी तो पाकिस्तान नेवी के जो चीफ ऑफ नॉवल स्टाफ का क्या नाम, राइट आंसर बनता है एडमिरल नवीद अशरफ। जो एडमिरल नवीद अशरफ हैं ये पाकिस्तान नेवी के चीफ हैं, पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ हैं जहीर अहमद बाबर। जहीर अहमद बाबर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ हैं। तो पाकिस्तान नेवी का हेड क्वार्टर है
इस्लामाबाद में, पाकिस्तान जो आर्मी का हेडक्वार्टर है ये रावलपिंडी में, और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद में है। तो जी एच क्यू की फुल फॉर्म पूछा, जी एच क्यू की फुल फॉर्म है जनरल हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2024, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का क्या नाम? राइट आंसर जमील अहमद। जमील अहमद पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर है, जमील अहमद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट चेयरमैन ऑफ BISP यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो करंट चेयरमैन, उनका क्या नाम? राइट आंसर है मिसेज रुबीना खालिद। मिसेज रुबीना खालिद जो है ये करंट चेयरमैन है BISP यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट CEO ऑफ PIA यानी PIA के CEO का क्या नाम? राइट आंसर है मोहम्मद आमिर हयात। मोहम्मद आमिर हयात CEO है PIA के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट DGISI यानी जो करंट ISI के डायरेक्टर जनरल, उनका क्या नाम? राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम। नदीम अंजम DG डायरेक्टर जनरल ISI है, यार याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 2020, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के कौन? राइट आंसर बनता है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है ये चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट IG पंजाब 2024 यानी जो IG है पंजाब पुलिस के, उनका क्या राइट आंसर है? डॉक्टर उस्मान अनवर। उस्मान अनवर पंजाब पुलिस के IG हैं। और करंट IG KP के पुलिस के IG कौन है? राइट आंसर है अख्तर हयात खान। अख्तर हयात खान KP के पुलिस के IG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट IG सिंध, तो सिंध पुलिस के IG हैं रिफत मुख्तियार राजा। रिफत मुख्तियार राजा सिंध IG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट IG बलोचिस्तान, बलोचिस्तान पुलिस की IG का नाम क्या? राइट आंसर अब्दुल खालक शेख। अब्दुल खालक शेख करंट IG हैं बलोचिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट IG ऑफ GB यानी गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की IG का नाम है अफजल महमूद भट्ट। अफजल महमूद भट्ट जो हैं ये IG हैं GB यानी गिलगित बल्तिस्तान के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट IG ऑफ नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस 2024 यानी जो नेशनल हाईवे मोटर पुलिस के जो IG हैं उनका क्या नाम? राइट आंसर सुल्तान अली ख्वाजा। सुल्तान अली ख्वाजा IG हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2020 उनका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। सिकंदर सुल्तान राजा जो करंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द करंट चेयरमैन ऑफ PPSC यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो करंट चेयरमैन है 2024 के, उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है मोहम्मद अब्दुल अजीज। मोहम्मद अब्दुल अजीज जो है PPSC के करंट चेयरमैन है 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पंजाब पुलिस ऑफिसर हुवेन द एक्सलेंस इन द परफॉर्मेंस अवार्ड 2024 यानी वो कौन से ऑफिसर हैं फीमेल जिन्होंने एक्सलेंस इन परफॉर्मेंस का अवार्ड विन किया है 2024 में? उसका नाम है SSP रिफत बुखारी। SSP रिफत बुखारी ने एक्सलेंस इन परफॉर्मेंस का अवार्ड विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर कौन है? इसका राइट आंसर बनता है शिबली फिराज। शिबली फिराज जो है ये लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो डिप्टी चेयरमैन है उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है सैयद अल खान नासर। सैयद अल खान नासर जो है ये करंट डिप्टी चेयरमैन है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम एंड पावर के जो फेडरल मिनिस्टर उनका नाम है मुसद्दक मलक। मुसद्दक मलक जो है ये फेडरल मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड पावर के 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तो नेशनल असेंबली के जो अपोजिशन लीडर उनका क्या नाम? राइट आंसर बनता है उमर अयूब खान। उमर अयूब खान जो कि PTI के हैं ये मतलब अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ऑन 30 मई 2024 लॉन्च्ड विच सैटेलाइट इनटू स्पेस यानी पाकिस्तान ने 30 मई 2024 को लॉन्च किया है सैटेलाइट इनटू स्पेस तो वो उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है पाक सैटेलाइट MM-1 PAK SAT MM-1। तो ये आपने याद रखना है और ये पाकिस्तान का सेकंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भी आपने याद रखना है, पाकिस्तान का सेकंड मतलब सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 यानी पाकिस्तान के वो कौन से क्रिकेटर हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो T20 का वर्ल्ड कप 2024 में है हो रहा है तो जून में, तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तानी किस क्रिकेटर को मतलब अपॉइंट किया गया? उसका राइट आंसर बनता है शाहिद खान अफरीदी। शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर मतलब अपॉइंट किया गया है। तो इसके अलावा अगर बात करें
तो जो युवराज सिंह है इंडिया के क्रिकेटर, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर मतलब के अपॉइंट किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर मतलब के अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें उसेन बोल्ट जो है इनको भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है T20 वर्ल्ड कप में, ये आपने याद रखना है। तो इसके अलावा अगर बात करें जो T20 वर्ल्ड कप की, तो 1 जून से ये स्टार्ट हुआ है और 29 जून तक ये इसके सारा मैचेस हो जाएंगे, फाइनल मैच हो जाएगा। तो पाकिस्तान का जो मैच होगा वो 9 मतलब जून को होगा। तो पाकिस्तान का जो पहला मैच 9 जून को है पाकिस्तान एंड USA के दरमियान, तो ये आपने याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप को जो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसको होस्ट कौन कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज, तो USA एंड वेस्ट इंडीज़ उसको मतलब होस्ट कर रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट इन विच सिटी, यानी जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली मतलब कि अभी 2024 में लॉन्च किया है फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट, मई 2024 में लॉन्च किया है, तो वो किस सिटी में मतलब कि इसका राइट आंसर बनता है लाहौर। लाहौर सिटी में मतलब कि ये प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च किया गया है फ्री वाईफाई का, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रॉकेट सिस्टम विच हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान, इसका राइट आंसर बनता है फतह सैकड़, यानी मई 2024 में पाकिस्तान ने मतलब एक रिसेंटली जो लॉन्च किया है रॉकेट सिस्टम, तो ये आपने याद रखना है। मई 2024 उसका नाम क्या है, उसका नाम है फतह सैकड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पाकिस्तानी मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सेटेलाइट विच विल बी लॉन्च्ड सोन, उसका जो राइट आंसर बनता है पाक सेटेलाइट MM-1, और ये भी 30 मई 2024 को लॉन्च किया गया, ये पहला है, ये आपने याद रखना, जो इससे पहले हमने बात की थी वो दूसरा था, ये पहला है, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली बैंड कैरियंग सेल फोन्स इनसाइड कोर्ट रूम्स, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान की किस कोर्ट में जो फोन्स वगैरह यूज़ करने की अदालत मतलब कोर्ट रूम्स में जो बैन कर दिया गया, इजाज़त नहीं है, उसका राइट आंसर बनता है सुप्रीम कोर्ट, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन स्पेशल मीटिंग ऑन ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी फॉर डेवलपमेंट 2024, यानी पाकिस्तान के मतलब किस मतलब के मतलब रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान की तरफ से, एक जो मीटिंग हुई है स्पेशल मीटिंग ऑन ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी की, तो इसका राइट आंसर बनता है शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ ने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान की तरफ से जो मीटिंग हुई है ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड ग्रोथ एंड एनर्जी फॉर डेवलपमेंट की, तो ये और ये हुई है कहाँ पे हुई है, ये सऊदी अरेबिया में हुई है रियाद सिटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी वोमेन टू सबमिट 11,800 मीटर पीक्स, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो पाकिस्तानी पहली पाकिस्तानी कौन सी फीमेल हैं जिन्होंने तकरीबन 11 मतलब एक ऊंची पहाड़ियां सर की है जिनकी लंबाई ऑलमोस्ट बनती है 8,000 मीटर के लगभग, तो उनका नाम है नायला क्यानी ने तकरीबन 8 चोटियाँ सर की हैं और जिनकी जो तकरीबन 11 चोटियाँ सर की हैं जिनकी औसत जो लंबाई है तकरीबन 8,000 मीटर से अबव है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द नेम ऑफ द सेटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तानी फर्स्ट मून मिशन, तो इसका जो राइट आंसर बनता है IQ-Q, ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान जो सेटेलाइट लॉन्च किया गया पाकिस्तान ने फर्स्ट मून मिशन के लिए जो सेटेलाइट मतलब लॉन्च किया गया उसका क्या नाम राइट आंसर बनता है IQ-Q, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू चाइना, तो उसका राइट आंसर बनता है खलील हाशमी, 2024 में जो एम्बेसडर हैं ऑफ पाकिस्तान टू चाइना उसका नाम है खलील हाशमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरल PHP, यानी पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल कौन सी वो सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, यानी PHP की, उनका नाम है शहला रज़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अप्रूव्ड पीका ला अमेंडमेंट बिल 2024 टू रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अप्रूव्ड किया है पीका ला की अमेंडमेंट बिल पास किया 2024 में, किस मतलब की चीज़ के लिए ये पीका ला मतलब की अमेंडमेंट पास की गई, उसका राइट आंसर बनता है सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया में गलत एक्टिविटीज़ या जो मतलब सोशल मीडिया को गलत यूज़ करना, इसके लिए ये पीका ला मतलब की अमेंडमेंट का बिल पास किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द करंट चाइनीज़ एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उनका नाम है जियांग ज़ेडोंग, तो आपने ये याद रखना है कि हाउ इज़ द करंट जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान में, चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उनका नाम है जियांग ज़ेडोंग, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ बीन अवार्डेड विद बिनते हवा अचीवमेंट्स अवार्ड 2024, तो इसका राइट आंसर बनता है निगार जौहर, मतलब कि जो बिनते हवा अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है कि उसका नाम है निगार जौहर, ये आपने याद रखना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द करंट एम्बेसडर ऑफ ईरान टू पाकिस्तान, उनका नाम है रिजा आमरी मुकदम। ये आपने याद रखना है कि जो करंट एम्बेसडर है ऑफ ईरान टू पाकिस्तान, तो उनका नाम है रिजा आमरी मुकदम। डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।